नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। हम इस वक्त कर्पूरी चौक बेता के पास हैं और ये है सहायक थाना बेता। और आपको एम्स की तस्वीर की एम्स का काम कहाँ फंसा हुआ है और क्या ग्राउंड रिपोर्ट है आज इसी की दिखाएंगे, क्योंकि थाने के बराबर में आपको दिखाई दे रहा होगा मिट्टी का ढेर, जो दिखाई दे रहा है कि ये जितना भी खाली जगह था वहाँ पर टीले नुमा आपको दिख रहा है कि टीला बन गया है। मिट्टी का काम हालांकि आगे नहीं बढ़ रहा है और इसकी वजह क्या है आज इसी की पड़ताल करेंगे। तो चलिए इस यात्रा पर, चलिए इस थाने को। सबसे पहले ये थाना हटना था लेकिन थाना हटा नहीं है, अभी भी ये थाना फंक्शनल है। पोस्ट ऑफिस भी यहाँ पर दिख रहा है। तो कर्पूरी चौक जो है वहाँ से हम अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। बेसिकली कर्पूरी चौक है और इसी के ठीक लेफ्ट साइड में जो है ज़मीन दी गई है, अभी 80 एकड़ ज़मीन जो दी गई है उसको, वो ज़मीन जो है वो यही है शुरुआती स्टेज में। और ये देखिए मिट्टी का टीला यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। ये दरअसल जो है वो पहले गड्ढा था, तालाब था, लेकिन अब यहाँ पर मिट्टी भराई का काम हो चुका है और इस पर अब घासें उगाई हैं, यानी कि इसके आगे अब नहीं हो रहा है काम। और उसका कारण है ये भवन। ये भवन जो तथा कथित रूप से हेरिटेज भवन कहा गया था, इसमें 3 विभाग का काम चलता है इसके अंदर। इसको हटाने का प्रक्रिया जो है वो चल रहा है, अभी तक जो है वो हटा नहीं है और इसी कारण से ये बाधित है यहाँ पर। तो ये देखिए यहाँ पर लोग आ रहे हैं, ऑफिस चल रहा है इसके अंदर, जो 3 डिपार्टमेंट DMCH का है जहाँ बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पर जो है वो काम जो हटना था वो नहीं हटा है। ये बिल्डिंग अभी भी यहीं पर मौजूद है और यहाँ पर अभी भी काम चल रहा है। ऑफिस दफ्तर खुला हुआ है और इसमें कर्मचारी अधिकारी लोग आ रहे हैं और संभवतः पढ़ाई हो रही है या नहीं हो रही है इसका तो पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो बाकी चीज़ें हैं जैसे यहाँ पर SBI कार्यालय था वो SBI ऑफिस यहाँ से हटा दिया गया है। देखिए यहाँ पर उजड़ा हुआ दिख रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पर SBI हटा दिया गया। और यहाँ पर काफ़ी गहमा गहमी होती थी, SBI का ब्रांच था यहाँ पर जो अब नहीं है, यहाँ से उठा करके कहीं और शिफ्ट कर दिया गया है। तो ये अच्छी चीज़ है, लेकिन इस बिल्डिंग को अभी तक नहीं हटाया गया है और इसी कारण से जो मिट्टी का भराई का काम है वो नहीं हो पाया। आपको दूसरी तरफ दिखाते हैं, इधर भी मिट्टी भराई का काम हो चुका है। तो टीले नुमा कर दिया गया लेकिन समतलीकरण नहीं हो पाया, वो इस कारण से कि जब पूरी तरह से बिल्डिंग की सब का हटाया जाएगा तब जाके इसका समतलीकरण हो सकेगा, लेकिन ये बिल्डिंग नहीं हटा है इस कारण से ये अभी तक काम बीच में ही फंसा हुआ है। तो काम आगे नहीं बढ़ रहा है मिट्टीकरण से आगे का। आपको आगे की कुछ और तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए जो क्वार्टर था ये क्वार्टर से भी खाली कर दिया गया, यहाँ पर भी तोड़फोड़ नज़र आ रही है। शायद दरवाज़ा खिड़की लोग उठा के ले गए हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि दरवाज़ा खिड़की बचा लें, तो इस तरह से दरवाज़ा खिड़की जो है वो बचा हुआ यहाँ पर जो बचा हुआ वो ले जा रहे हैं लोग उठा के। तो आप लोग का व्यवस्था नहीं किया है? नहीं किया, नोटिस आली दे चुका है। अच्छा, तो आप लोग कितना परिवार हैं बताइए ना, अपना आके बताइए कुछ। इसमें आगे रहते हैं? हाँ अंदर में रहते हैं, पूरा घर बना हुआ, जाके देख सकते हैं। देख सकते हैं, चलिए ना जरा देखते हैं। चलिए दिखाते हैं। तो ये हमें दिखाने ले जा रहे हैं जो यहाँ पर जो लोग हैं जिनको विस्थापित हो का मजबूरी है विस्थापन का एम्स के कारण, और ये खाली नहीं कर रहे हैं चूँकि इनको वैकल्पिक कोई व्यवस्था नहीं आई। चलते हैं देखते हैं इनको क्या समस्या है इनकी। और फिलहाल ये बिल्डिंग गिरना है तभी गिरेगा, और बिल्डिंग गिरेगा तभी यहाँ पर एम्स का निर्माण संभव हो सकेगा और मिट्टीकरण का समतलीकरण होगा। यहाँ पर देखिए, ये देखिए यहाँ पर ये सब तोड़फोड़ कौन किया है भैया इसमें? अच्छा, तो इसमें क्या खिड़की दरवाज़ा ले गया उठा के है? और ईंटा सब जो निकलेगा इसमें? तो यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर ये लोग परिवार रहते हैं। अच्छा, कितना परिवार होगा? 600-700 मोहल्ले का लोग यहाँ पर रह रहे हैं और इनका विस्थापन हो जाएगा अगर यहाँ से ये लोग गए तो। आप लोग का व्यवस्था नहीं कर रही सरकार? व्यवस्था नहीं कर रहा सर, देख रहे गरीब आदमी सब है, सब अपन पड़ल है। कितना फैमिली होगा यहाँ पर? लगभग 600-700 आदमी है। आप लोग कितना साल से रह रहे हैं? कम से कम 20 साल से ऊपर, 3-4 पुरुष गुजर चुका है। तो आप लोग के बारे में तो कह रहा है कि आप लोग को घर उड़ देगा कहीं व्यवस्था की। कब तक उम्मीद है देगा? कोई गारंटी नहीं है। कोई गारंटी नहीं है, कब सरकार जगेगा कब मिले।
सब छिए आ उजारते आप कहाँ जेबे रोड पर भी मांगला 4,000-5,000 के महीना कमाए छिए केनिक डेरा में आ हमरा सबके उजारते तो कहाँ फूट फाट पर रहबे आप लोग बाल बच्चा है आप लोग यहाँ क्या काम करते हैं डेरा केनिक पर काम करते हैं स्वीपर तो हम आपको एम्स की यात्रा करा रहे हैं एक तरफ आप मिट्टी का ढेर देखेंगे मिट्टी का ढेर करके छोड़ दिया गया है तो दूसरी तरफ ये वो बिल्डिंग है जो अब तक गिरी नहीं है और जब तक इसको नहीं गिराया जाएगा पूरा समतलीकरण नहीं होगा पूरा जो 80 एकड़ हैंडओवर किया गया है पहले फेज़ में उसका काम आरंभ नहीं होगा और अभी जो चार दीवारी होना था वो भी नहीं हुआ है तो काम जो है वो इस बिल्डिंग के कारण देखिए अभी भी गाड़ी लगी हुई है लोग आ रहे हैं जा रहे हैं इसमें इसका काम चल रहा है यानी कि अभी इसमें शिफ्ट नहीं किया गया नोटिस दिया गया है लेकिन अभी तक शिफ्टिंग नहीं हुई है जब तक कि मैं अल्टरनेट यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं की जाएगी तब तक ये स्थिति बनी हुई है और आप देखिए ये ढेर मिट्टी का टीला जो बताने के लिए काफ़ी है कि काम अभी भी रुका हुआ है डायरेक्टर साहब आ गए हैं नियुक्ति भी हो गई लेकिन अभी भी काम आरंभ नहीं हुआ है अब आपको ले चलते हैं रेलवे को उस पार दिखाएंगे कि वहाँ क्या स्थिति है तो बेता चौक से पहले मंदिर के ठीक बराबर से ये रास्ता जाता है उस तरफ जहाँ 24 एकड़ ज़मीन जो एम्स के लिए रेलवे के उस पार निर्धारित की गई है चलिए उस इस सफ़र पे चलते हैं और रेलवे के उस पार का दिखाते हैं तो हम आपको रेलवे लाइन के उस पार ले आए हैं जहां पर एम्स की ज़मीन है वहां देखते हैं एम्स की ज़मीन में कितना काम हुआ है मिट्टी भरण का और आपको दिखाते हैं वहां भी काम हो रहा है हमें जो दिखाई दे रहा है वो देखिए यहाँ पर मिट्टी भराई हुई है ये देखिए मिट्टी भराई हुई है टीले आपको वैसे ही दिखाई दे रहे होंगे जैसे कि टीला उधर दिख रहा था यही है एम्स का जो अभी वर्तमान की स्थिति है वो यही दिखाई दे रही है देखिए यहाँ भी आपको जो है ये यहाँ पर भराई का दिख रहा है थोड़ी सी ज़मीन यहाँ पर भराई हुई है और इधर भी निर्माण कार्य होना है और निर्माण कार्य यहाँ पर बताया जा रहा है कि स्टाफ क्वार्टर एम्स का स्टाफ क्वार्टर यहीं पर बनेगा तो समस्याएं कई हैं समस्या ये है कि ये दोनों साइड दोनों भाग को ये दरभंगा समस्तीपुर की रेल लाइन डिवाइड करती है 24 एकड़ इधर और बाकी जो उस तरफ है वो उस तरफ ज़मीन है यानी टोटल जो एम्स को मिलनी है वो करीबन 150 एकड़ ज़मीन मिलनी है और उस 150 एकड़ ज़मीन में ज़्यादातर हिस्सा इस तरफ है और थोड़ा सा हिस्सा इस तरफ है रेलवे के उस पार अब इस पार से उस पार जाने आने के लिए ओवर ब्रिज फ्लाईओवर बनाना पड़ेगा और आपको बता दें कि ये जो है वो 4 लेन आमस एक्सप्रेसवे से जो कनेक्टिविटी होनी है वो इधर से ही होनी है ताकि 4 लेन कनेक्टिविटी एम्स को मिले और उसके लिए जो है वो फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई जा रही है कि किस तरफ से जोड़ा जाए या कर्पूरी चौक की तरफ से या दोनार की तरफ से लेकिन इसकी कनेक्टिविटी जो है वो इधर से ही होनी है और इसको आगे इधर इस तरफ ले जा करके 4 लेन जो आमस एक्सप्रेसवे बनेगा दरभंगा आमस उसमें जोड़ने की योजना है तो फिलहाल जो आपको ये तस्वीर दिख रही है इससे यही पता लग रहा है कि काम अभी शुरू नहीं हुआ है मिट्टीकरण का काम रुका हुआ है आगे कब ये शुरू होगा ये भी कहा नहीं जा सकता जब तक वो बिल्डिंग नहीं हटेगी तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट कीजिए सब्सक्राइब कीजिए कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे आप देखते हैं दरभंगा रॉक समारोह से भी शुक्रिया धन्यवाद जय हिंद जय बिहार जय मिथिला।